दिल मिलना तो चाहते हैं, दो पल फुर्सत में बैठकर प्यारी प्यारी बातें तो करना चाहते हैं, लेकिन इनके साथ कुछ न कुछ लोचा हो ही जाता है। इनकी मोहब्बतें पहुँचे इससे पहले मुसीबतें पहुँच जाती हैं। रमन और इशिता की पहली डेट तो फेल हो गई। इसके बाद रमन और इशिता ने सोचा कि क्यों ना क्लिनिक पर ही डेट की बंदोबस्त की जाए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सुहाग रात में जिस तरह से कमरे को सजाते हैं, ठीक वैसे ही इशिता ने अपने क्लिनिक को सजाया है। बस दोनों बैठे ही थे, एक दूसरे की आंखों में खोने ही वाले थे, बस इतने में आ गया एक कॉल। ये कॉल, बाय गॉड, ये कॉल बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि इस कॉल के जरिए इन्हें पता चला कि मुसीबत यहाँ आ रही है, और वो मुसीबत कोई और नहीं बल्कि शगुन है। शगुन का नाम सुनते ही रमन और इशिता के चेहरे से हवाइयाँ उड़ गईं। अभी आप दोनों वहाँ से चलके निकलो। अरे क्यों बेटा, सुकून से बैठे तो देश में के साथ। शगुन मामा पीहू को लेकर आ रही है वहाँ पे। यहाँ? एक मिनट, शगुन पीहू को लेकर यहाँ आ रही है? हाँ पापा। अभी? ठीक है, अभी मैं तुझे फोन करता हूँ। बेचारे करते भी तो क्या करते, फटाफट से लग गए क्लिनिक को वापस पहले जैसा करने के लिए। रमन के अरमानों पर तो पानी फिर गया। जरा देखते जाइए रमन और इशिता की इस क्लिनिक वाले डेट को खूबसूरत बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। खूब सारे गुलाब की पंखुड़ियों को इकट्ठा किया गया, फिर उसे वापस से बोरे में भर दिया गया। इसे देखकर रमन हम समझ सकते हैं कि आपका दिल कितना जल रहा होगा। एक बार फेल हुए, दूसरी बार भी फेल हुए, अब तीसरी बार जरूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और प्यार में तो कभी भी नहीं। जाते जाते रमन और इशिता का ये डांस जरूर देखते जाइए। कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।